कैलाशवासी भगवान शिव के कई मंदिर हैं, जो भोलेनाथ के चमत्कारों के साथ ही मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के लिए विख्यात हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है माउंट आबू का अचलेश्वर महादेव मंदिर। आखिर क्या है मंदिर से जुड़ी महिमा, देखिए इस रिपोर्ट में। न शिवलिंग न महादेव की मूर्ति, देवाधिदेव के अंगूठे की होती है पूजा। मंदिर की महिमा है अपरंपार। अप्रतिम है अचलेश्वर। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह कर ओ कृपा मर्दन मयन। भगवान शिव दुनिया के पहले गुरु, भोले भंडारी, नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, जितने नाम उतने रूप उतने गुण। वैसे तो शिव का हर जीव हर कण से गहरा नाता है, लेकिन भोले भंडारी का मरुधरा से खास संबंध है। प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू को अर्ध काशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिर हैं। पुराणों के अनुसार वाराणसी भगवान शिव की नगरी है, तो माउंट आबू भगवान शंकर की उपनगरी। यही दुनिया भर में विख्यात अचलेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर में भगवान शिव के पैर के अंगूठे की होती है पूजा। भगवान शिव के सभी मंदिरों में शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है, परंतु इस मंदिर में भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। आज से 5000 पहले की बात है कि जब भी माउंट आबू पर्वत इस पातालपुर में जा रहा था, तो भगवान शिव जी ने काशी से बैठे बैठे अपना दाहिना पैर लंबा किया। इस पर्वत को भगवान ने अंगूठे पे टिकाया हुआ है। इसका रियल नाम है अर्बुदाचल पर्वत। इस पाताल खाई में पैर के अंगूठे पे पूरा बैलेंस है, पूरा आबू पर्वत, इसीलिए इस मंदिर में अंगूठे की पूजा होती है। मंदिर में भगवान शिव के सेवक नंदी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसका वजन करीब 4 टन है, जो 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबे, पीतल और जस्ता से बनी है। एक लोकप्रिय स्थानीय किंवदंती के अनुसार नंदी की मूर्ति मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले से मंदिर की रक्षा करती है। पुजारी की माने तो मंदिर में छिपी हुई मधुमक्खियों ने कई बार मंदिर को बचाया है। अलाउद्दीन से खिलजी ने आप आक्रमण किया था, धन की लालच में तोड़ फोड़ की थी नंदी को, तो यहाँ भगवान ने शिव जी ने चमत्कार बताया। जहरीले भवड़े छोड़े थे घुटने से, पूरी सेना पे टूट पे सेना भागने के लिए, फिर मोहम्मद बेगड़ा ने ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर बना के गया था, इसीलिए ये नंदी 800 वर्ष पुरानी। यहाँ भगवान शिव से जुड़ी एक और मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ का पर्वत भगवान शिव के अंगूठे की वजह से टिका हुआ है। जिस दिन अंगूठे का ये निशान ओझल हो जाएगा, उस दिन माउंट आबू के पर्वत समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर भगवान के अंगूठे के नीचे एक प्राकृतिक खड्डा बना हुआ है। इस खड्डे में कितना भी पानी डाला जाए, लेकिन ये कभी भरता नहीं है। इसमें चढ़ाया जाने वाला जल कहाँ जाता है, ये आज भी एक रहस्य है। तो आप अधाबी से समय निकाल कर अचलेश्वर के दर्शन करने जाइए, उनकी कृपा से अपनी बिगड़ी बनाइए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिरोही से शरद टांग की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।